वो पता है असली लग रहा है, रियल लग रहा है, पता ही हाँ रियल लग रहा है। हाँ अपने आप सिर दिया है क्रोकोडाइल के मुंह में। हे गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज हम आ रखे हैं रोहिणी यहाँ पर एक एडवेंचर आइलैंड के पास में। एरोप्लेन रेस्टोरेंट है जो कि वैसे अनएक्सप्लोर्ड है, वैसे सबको एडवेंचर आइलैंड का पता है, इसका ज़्यादा लोगों को आइडिया नहीं है। जो कि रनवे वन के नाम से रेस्टोरेंट है यहाँ पर, और एरोप्लेन थीम्ड है, मतलब एरोप्लेन थीम वाला रेस्टोरेंट है यहाँ पर। तो अभी हम जाएंगे अंदर और एक्सप्लोर करेंगे और आपको सारा बताएंगे कि प्राइस क्या है, एंट्री का टाइमिंग क्या है, और सब कुछ आपको अंदर बताएंगे और दिखाएंगे आपको कि वो कैसा है अंदर से। तो आइए चली चलते हैं टिकट काउंटर पे। और ये यहाँ का व्यू देखो कितना प्यारा व्यू है। वो एडवेंचर आइलैंड है वहाँ पर, और वो हमको वहाँ पर जाना है रनवे वन पे। वो दिख रहा है प्लेन, अभी दिखाते हैं प्रॉपर उसके पास जाके ऑनबोर्डिंग पासेस लेके। तो यहाँ पे वैसे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं आपको खाने के लिए इधर, बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस भी हैं। बट अभी हम तो स्पेशली इसके लिए आ रखे हैं रनवे वन के लिए। तो अभी आपको दिखाएंगे वहाँ पर जाके कि क्या है, कितने इसका टिकट प्राइस है और क्या है। पहले तो हम इसका टिकट लेते हैं, तो अभी हम पहले इसका टिकट काउंटर ढूंढ रहे हैं कि इसका टिकट काउंटर कहाँ पर है, तब टिकट लेके आपको बता दें कि कितने की टिकट्स हैं और क्या क्या है। ये इसका टिकट काउंटर है, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर अभी मोनिका जाएगी और टिकट लेकर आएगी। तो ये हमारा ऑनबोर्डिंग पास है जो आकाश के नाम से लिया हमने। इसका प्राइस हमको 200 रुपीज़ पड़ा पर हेड, और ये जो है नॉन रिफंडेबल है। लेकिन आप जो खाना खाओगे रेस्टोरेंट में, फूड जो खाओगे उसमें ही एडजस्ट हो जाएगा इसका बिल। सही है। तो अभी हम लोग चलते हैं, एंट्री करते हैं, आपको एंट्रेंस दिखाते हैं। बहुत सुंदर है, ओरिजिनल एरोप्लेन है प्रॉपर, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। अच्छा एक बार इनको टाइमिंग्स बताओ कि क्या क्या है और कब कब ये ओपन होता है। टाइमिंग इसकी है ये सुबह 11 बजे से रात के 9 बजे तक ओपन रहता है। लेटर फूड भी होता है यहाँ पे, पार्टीज बर्थडे एंड जो चाहो वहाँ पे ऑर्गेनाइज करा सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेज है, मैंने वहाँ पे पूछा था उनसे काउंटर पे, तो यहाँ बर्थडे पार्टी सबका भी अरेंजमेंट होता है। तो अभी हम ऊपर आ चुके हैं, अभी अंदर एंटर करेंगे। पर यहाँ पर आप देखो यहाँ से कितना प्यारा व्यू नज़र आ रहा है। ये देखो ये छोटा एफिल टावर है यहाँ पर, दिख गया? हाँ, कुछ भी भाई, छोटा एफिल टावर है, कुछ भी क्या है वो, क्या है कुतुब मीनार है वो। बाकी आपको अंदर जाके हम दिखाते हैं। तो अभी हम पहले एंट्री करेंगे, चल। तो अभी हम पहले अंदर एंटर कर रहे हैं। तो अभी हम अंदर एंटर कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा है कि देखो पूरा इन्होंने वैसी फील दे रखी है, पूरा इन्होंने वैसे ही बना रखा है कि अंदर हम एरोप्लेन में बैठे हुए हैं। अब देखते हैं क्या खाने का ऑर्डर करते हैं। यहाँ नॉन वेज वेज दोनों के ऑप्शन है, अच्छी बात ये है। और खिड़कियाँ भी खुल, खिड़की खुलते हुए, आकाश खिड़की खोलो ना, आकाश कूद जाओ यहाँ से। बस कर कितना घूरेगी टिकट को, ये बोर्डिंग पास को ऐसे घूर रही है तब से। ये होती है उनकी निशानी जो पहली बार बैठते हैं ना प्लेन में, तो ये उन्हीं की निशानी है। ये फर्क इतना है कि ये प्लेन उड़ नहीं रहे। हाँ वैसे, और ये देखो कि हम जा रहे हैं दिल्ली टू अम्बाला। अच्छा दिल्ली टू अम्बाला जा रहे हैं हम, ये पागल हो चुकी है यहाँ पर बैठ के, तो इसकी बातों पे विश्वास मत करना। कह रही है कि दिल्ली टू अम्बाला जा रही है फ्लाइट इसकी। हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया है, तो यहाँ पर प्राइसेस भी ठीक हैं, अच्छे हैं प्राइसेस, ज़्यादा हाई भी नहीं, ज़्यादा लो भी नहीं है, अच्छे प्राइसेस हैं। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो ये ऑनबोर्डिंग पास है इसमें जो भी, अगर सपोज 400 है 200 है, आपका उतना टोटल बिल से लेस हो जाएगा, तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है उस चीज़ में। ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप 400 खाना खाओगे तो फ्री भी नहीं है, ऑनबोर्डिंग पास तो लिया ही आपने। और बाकी ये फैमिली फ्रेंडली प्लेस है, एंड यहाँ पे कपल भी आ सकते हो, आप फ्रेंड के साथ भी आ सकते हो आप। तो यहाँ हमें काफ़ी फैमिली भी दिख रही है हमारे आसपास, और अभी बाहर भी काउंटर एरिया है, हम दिखाएंगे जहाँ पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज होती है। तो अभी जब खाना खाने के बाद हम दिखाते हैं आपको वो वाला एरिया। तो यहाँ पर आने का जो भी है मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन है कि जैसे आप पार्टी ऑर्गेनाइज़ करवा सकते हैं, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज़ करवा सकते हो, तो मैं वो सारा प्राइस जो भी है इनसे पूछ के वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। टिल देन एंजॉय करो। तो अभी मेरे पीछे आपको कॉकपिट भी नज़र आ रहा होगा। तो अभी हम लोग वहाँ पर खाना खाने के बाद जाएंगे, और वहाँ पर 200 रुपये एंट्री चार्जेस हैं, और 10 मिनट्स के लिए आप फ़ोटो करवा सकते हो या वीडियो बनाओ 200 रुपये में सिर्फ 10 मिनट के लिए। तो अभी हम खाना खाने के बाद जाएंगे वहाँ पर और आपको दिखाएंगे। अरे भाई चम्मच में खाना आ रहा है, खाना
इसने मुझे इतना दुखी कर दिया ना कि मेरे को यह हवा खानी पड़ती है कि मुझे खाना भी नहीं खाने देती चैन से। तो हम लोगों ने शेक वगैरह ऑर्डर किए थे और इसका टेस्ट तो अच्छा है। बाकी चिकन बिरयानी एज यूजुअल जहाँ भी जाओ वो तो है ही ऑल टाइम फेवरेट हमारी, तो हम लोग वही खा रहे हैं यहाँ पर भी अभी, क्योंकि पेट उससे भरता है, मेरा तो उससे भरता है, काशिप उससे भरता है पेट, मेरा भी उससे भरता है। तो अभी यहाँ पर सीन ये है, वैसे टेस्ट अच्छा है खाने का, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम इतनी है कि यहाँ पर जो स्टाफ है वो थोड़ा कम है, तो उस वजह से खाना आने में बहुत टाइम लग रहा है और वेटिंग बहुत ज़्यादा है। हम भी आधे घंटे वेट करने के बाद हमको ये हमारा ऑर्डर आया है, तो हमने एक साथ मंगा लिया था सब चीज़ें, अभी और भी चीज़ आएगी हमारी। तो अगर आप भी यहाँ पे कभी आओ तो आप एडवांस में सारा मंगा लो, बीच बीच में कोई सीन नहीं, बिकॉज यहाँ पे स्टाफ कम है एंड टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो अभी हम खाने ही टेस्ट करते हैं, लेट्स सी चिकन कैसा है। हम लोगों ने खाना खा लिया है, खाना एवरेज था। तो अब हम आपको दिखाएंगे कॉकपिट, वहाँ पे सेल्फी चार्ज है 200 और 10 मिनट, जैसे आकाश ने बताया था आप लोगों को, तो वहीं के हम टिकट लेने जा रहे हैं। तो आइए चलिए चलते हैं वहीं, आपको दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा। भाई हम लोग कॉकपिट के अंदर है, यहाँ ये देखो ये फुल है और आकाश एरोप्लेन उड़ा रहे हैं, आई डोंट नो हम कहाँ जाएंगे। ये देखो ये सारा है, ये इनकी कुर्तियाँ, ये देखो ये है पूरा ऊपर से ऐसे दिखता है, जैसे असली एरोप्लेन दिखता है ना आगे से, वैसे ही है देखो सारा, ये देखो बटन वटन सारे दे रखे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा किस चीज़ के बटन है, और ये क्या चीज़ है। हम अभी टेक ऑफ कर रहे हैं, आकाश द पायलट, भाई मेरी टोपी बार बार गिर जा रही है। ये देखो ये सारा, और नीचे पानी ही पानी है, ये ऐसे ना कोहरा ही कोहरा है। तो हम लोगों ने अभी एग्जिट कर लिया है, यहाँ आपको सामने दिख रहा होगा वहाँ, एक्चुअली अभी हम जा नहीं पाए क्योंकि अभी वो रिजर्व्ड है, वहाँ पे कोई गेस्ट आ रहे हैं, उन्होंने ये पूरा एरिया बुक कर रखा पार्टी के लिए। तो ये देखो सामने यहाँ पार्टी ऑर्गेनाइज होते हैं, यहाँ पर डीजे बजते हैं, गाने वगैरह सब कुछ होता है, एंड अगर आप चाहो तो यहाँ पे आ सकते हो, प्राइसेस भी अफोर्डेबल है, बहुत सही है। तो हम लोग रनवे से निकल चुके हैं एंड यहाँ पर हम लोग तो काफ़ी टाइम बाद आए हैं मेट्रो वॉक में, और हम लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे हम एडवेंचर आइलैंड आए थे, राइट, एडवेंचर आइलैंड आए थे हम लास्ट टाइम। तो यहाँ पर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ अब ओपन हो चुकी हैं, तो अभी हम घर के लिए जा रहे थे तो हमने देखा यहाँ पर एक 3D आर्ट म्यूजियम खुला, हमने सोचा कि हम लोग वहाँ पर भी एक बार हो आते हैं, बिकॉज मैंने सुना है कि वहाँ पर अच्छा है 3D आर्ट म्यूजियम है, तो वहाँ की टिकट हमने ले ली है दोनों ने, 50 रुपये की टिकट है एंड इसकी टाइमिंग 12 to 8 PM है रात तक। तो बाकी जो एडवेंचर आइलैंड है वो उसके सामने ही है, हम लोग पहले ही प्लान कर रहे थे कि हम लोग एडवेंचर आइलैंड में हुआ है, बिकॉज टाइम अभी बचा हुआ है हमारे पास, और बट उन्होंने ये चीज़ बोली कि कोविड के चक्कर में वो एक साल से ऊपर हो गया है, वो बंद है, अभी नहीं ओपन है, बट वो नेक्स्ट वीक ओपन होने वाला है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि एडवेंचर आइलैंड का आपको ब्लॉग दिखाए तो आप कमेंट करना। तो अभी हम लोग अंदर म्यूजियम में जा रहे हैं और आप लोगों को हम दिखाते हैं अंदर से कैसा है म्यूजियम, तो आइए चलते हैं, लेट्स गो। तो अभी हम लोगों ने अंदर एंटर कर लिया है, तो ये कुछ इस टाइप से है म्यूजियम यहाँ पर, ये पूरा 3D है, ऐसा लग रहा है कि रियल है, ये बाहर को आ रखे हैं, ये अगर आप देखो तो ऐसा लग रहा है कि ये किसी ने टांग रखी है फोटोज, लेकिन ऐसा नहीं है, इन रियलिटी ये ड्राइंग है, ये पेंट इन्होंने इस तरीके से कर रखा है कि ये पूरा रियल लग रहा है, ये 3D लग रहा है पूरा, कि इन्होंने टांग रखी है फोटोज इन वॉल पे। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, बस यहाँ पर ये 3D पेंटिंग्स है जो काफ़ी रियल लग रही है। ये देखो ये सांप, इसको भूख लगी है काफ़ी ज़्यादा, जा मोनिका इसके आगे जा, चली भी गई देखो ये। तो ये भी काफ़ी, ये तो बेकार है, हाँ इन्होंने काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स बना रखी है, बस यहाँ पर यही है और कुछ नहीं है, यहाँ पर इतना खास देखने लायक है नहीं। हाँ ठीक है कि आप वन टाइम के लिए आ सकते हो, मतलब यहाँ पर हाँ ये है कि आप एक बार आ सकते हो, एक बार आके चेकआउट कर सकते हो, जब आप मेट्रो वॉक आ रहे हो तो एक बार यहाँ पर आके आप चेकआउट कर सकते हो। ये बंदे यहाँ पे पत्ते खेल रहे हैं, इसमें मोनिका तेरी सीट पे खाली है, बैठ जा तू भी खेल ले पत्ते। वो पता है असली लग रहा है, रियल लग रहा है, पता है ये, हाँ रियल लग रहा है, हाँ अपने आप सिर दिया है क्रोकोडाइल के मुंह में, और फिर कह रहे बचाओ बचाओ।
ये रियल पेंटिंग्स लग रही हैं। ये दो आकाश, दो आकाश के दोस्त सेल्फी की तरह है। देखो बंदर हॉर्स है। अरे ये देखो, ये कुछ जादू कर रही है ये बच्ची। कहीं भी चले जाओ उसको गिफ्ट से मतलब है, उसको गिफ्ट चाहिए बस। क्रिसमस में इसको गिफ्ट मिला था, अभी भी सेंटा से कह रही है कि मेरे को गिफ्ट दे दो। और देखो सेंटा के पैर भी छू रही है, बहुत अच्छी लड़की है। सेंटा के भी पैर छूती है, अभी उसके भी पैर छुएगी, ब्रूसली के भी पैर छुएगी। देखो फोटोज क्लिक करने के लिए बहुत अच्छा है हमारे आसपास, यहाँ सब बच्चे भी और सब लगे हुए हैं फोटोज क्लिक करने के लिए। बहुत अच्छी प्लेस है और अच्छी फीलिंग आती है। हमने भी काफ़ी फोटो क्लिक करी है अपने, हम इंस्टाग्राम फेसबुक हैंडल सब में हम डालेंगे फोटो, आप जरूर देखना। तो जिसने भी हमको फॉलो नहीं करा है इंस्टाग्राम पर फेसबुक पर, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाओ और फॉलो करो फटाफट। हम वहाँ पर सारी अपनी पिक्स अपलोड करेंगे। तो इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और ये रनवे वन जिसने भी अब नहीं आया है, एक बार आप ज़रूर यहाँ पे आइए और अच्छा एक्सपीरियंस है। अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस भी है, ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती है बिकॉज लोगों को इतना पता नहीं है यहाँ के बारे में। जो लोग जा चुके हैं वो अच्छी बात है, आपको पता ही होगा एक्सपीरियंस कैसा है आपका। जो नहीं गए हैं वो जाएँ ज़रूर, और इन्फॉर्मेशन हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। और मेट्रो वॉक में आने का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो है रिठाला, ठीक है। तो इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होता पहले तो वो करो, ठीक है। पहले तो आप वो कर लो, सुन लो मैडम की बात सुन लो। और आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए।